आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कि आप खुद मुख्यमंत्री रही हैं, क्या इस समय उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आप देख रही हैं? इसका कुछ यूपी की जनता को मुझे कुछ फायदा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। केवल पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है, जमीनी हकीकत में यूपी की जनता को कुछ लाभ हो रहा है वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है आप लोगों को भी नजर नहीं आ रहा। मायावती जी भी राष्ट्रीय ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी जहाँ तक बीएसपी का अपना बेस वोट है वो तक से मस इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन में कभी कभी जो दूसरा तबका है खासतौर से जैसे ओबीसी के लोग हैं, माइनोरिटीज के लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, तो चुनाव में इस किस्म के कुछ ये लोग वायदे कर देते हैं कि ये लोग गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर तो जिस एरिया में ज्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिया के मशीनें निकली तो वो वोट कई और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको लिखा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफी असंख्या लोगों में पैदा है, तो हो सकता है कुछ ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, असंख्याएं किस्म किस्म की पैदा है। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव मालूम हो जाएगा कि उनके साथ कितना वोट और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए। मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं, तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को प्यार करें। आज नहीं तो कल ये जो जहां से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहां मशीन से शुरू हुआ तो जब लगा इसमें धांधली हो रही तो वहां खत्म कर दिया, बैलेट पेपर से वहां चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं, तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो
जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है, जरूर कुछ दाल में काला है। और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए, ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है, बोलते 4-5 पर्ची निकालेंगे, ऐसा नहीं है, ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां उसे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। हम लोग तो हमको जो कर सकते थे हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने माननीय चुनाव आयोग को भी कहा, आज फिर हम इंडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए, क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आ गए? सवाल जो है एक बयान दिया, वो बयान जो है क्या कहते हैं रामचरितमानस की एक दोहाई के खिलाफ था, और दूसरा उन्होंने उस बयान पे वो अटिक है कि मनुस्मृति बी आर अम्बेडकर साहब ने चलाई, तो आप इसको कैसे देखते हैं, आप उस बयान का समर्थन? देखो पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनु स्मृति चलाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, एक तो आपको ये करेक्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है मैंने मुझे नहीं मालूम, यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोली है तब मैं प्रतिक्रिया देती, तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है, तो किसका रेफरेंस उन्होंने दिया और मैंने सुना नहीं है। और जब तक वो किसी किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं है। ये जो बीजेपी है, बीजेपी पसमंदा कर रही है, पसमंदा मुसलमान बीजेपी के साथ आए, और आप भी हमने देखा इमरान मसूद को ज्वाइन कराया। मैं जो आपको बता रही हूँ पसमांदे के बारे में, पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ किस प्रकार की जाति हो रही है, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहाँ तक पसमांदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले पसमांदा बाद में है, तो जो उनके साथ में जुल्म जाती हो रही है मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे, तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। सवाल है कि पहले तत्पर जो है बाहुबलियों के गांव को जुड़ रखी है पार्टी के, लेकिन अतीक अहमद के परिवार को शामिल करने की क्या मजबूरी पड़ गई? परिवार जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है? आपको ये मालूम है जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे कर देते हैं उनको लेते नहीं है हम, और अब दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है, तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे तो कांग्रेस है चाहे सपा है चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। बहन जी आपने कहा कि आप अकेले लड़ेंगे चुनाव, योजना बनाई जा रही है उसमें आपकी क्या भूमिका? बीएसपी की जो विचारधारा है तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है, ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। देश का शासन बहन चलाए सारी जनता कहती है, हाँ देश का शासन बहन चलाए सारी जनता कहती है, 15 जनवरी जन्म दिवस पर वादा बहन से करती है, देता है सर्व समाज अरे देता है देश तमाम, बहना को मुबारकबाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।